हेलो गाइज, आप सभी को जन्माष्टमी की बधाई। और मानिक यहाँ पर देख रहा था कान्हा जी की वीडियो और मानिक को समझ आता है भाई आज तो मुझे भी कान्हा जी बनना है। तो मानिक फटाफट से उठ के आता है और दूसरे रूम में आ जाता है और मैंने निकाली मानिक की 1 साल पुराने वाली ड्रेस जो मानिक के स्कूल के एनुअल फंक्शन में मिली थी। इसके हमने 2000 पे किए थे पूरे। और अब की बार जन्माष्टमी पर मैं इसकी न्यू ड्रेस नहीं लेके आई क्योंकि भाई हमें इसके 2000 भी तो वसूल करने थे। 2 बार मैं इसको पहना चुकी हूँ और ये 3री बार इसको पहना रही थी। ये धोती देखो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट इसका फैब्रिक भी अच्छा है। फिर मुझे समझ में आता है कि मैं इसके दुपट्टे से है ना फोल्ड करके और इसको इस तरीके से पहना के यहाँ पे पिन लगा देती हूँ। फिर मानिक को भाई बिल्कुल भी समझ नहीं आता, मानिक अपनी बॉडी बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता, देखो कैसे शर्मा रहा है। उसके बाद मैं इसको अंगरखा कुर्ती पहना देती हूँ और इसमें कुछ सितारे थे जो मानिक को काफ़ी चुभ रहे थे। फिर मैंने इसको कट किया और ये डोरी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पर क्या कौन सी बांधनी है, तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए मैंने इसको बंद कर दिया और मानिक थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। एक मैं माला लेके आई थी, एक माला मेरी पुरानी रखी हुई थी, एक माला मानिक लेके आया था हमारे मंदिर से जो साधु संत वाले, मैंने उसकी ये वाली माला तो निकलवा दी। अभी पहनाएंगे मुकुट, मुकुट पड़ गया छोटा, अभी इसमें एक्स्ट्रा धागा लगाया और उसके बाद इसको पहना दिया। ये मानिक का फाइनल लुक है और मैंने इसकी कुछ वीडियो शूट करी जो काफ़ी सुंदर लग रहे। आप कमेंट करके बताना कि हमारे कान्हा जी आज के कैसे लग रहे हैं। कुछ फ़ोटो शूट करी, कुछ वीडियो शूट करी और जी मैंने एक्स्ट्रा मेकअप नहीं किया भाई, स्किन पे कुछ इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद इसने कि अपने पापा के साथ मस्ती जो हमेशा करते रहते हैं, बट आज की मस्ती कुछ स्पेशल थी इनकी। अब हमारे कान्हा जी थोड़ा रेस्ट करते हुए और इतने में मैं ले आई मानिक के लिए केक और केक को देखकर मानिक हो जाता है खुश जो सुबह से इंतज़ार कर रहा था। अभी थोड़ी सी केक की फ़ोटो शूट करी, वीडियो बनाई और उसके बाद कर लेते हैं हम केक कट। और मानिक ने इंतज़ार नहीं किया, मैं बोल रही थी कि मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ लेकिन मानिक ने मना कर दिया कि मम्मा आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो इसमें ही। तो कोई बात नहीं, मैंने मानिक की बात को ऊपर रखते हुए केक काटना स्टार्ट कर दिया क्योंकि जब घर में केक आ जाता है और मानिक से बिल्कुल भी सब्र नहीं होता कि 1-2 मिनट भी लेट हो जाए तो तभी के तभी काटना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद मैंने मानिक का हमारे कान्हा जी को खिलाया केक और मानिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आज मैं भी रेडी हुई थी लेकिन मेरी वीडियो शूट नहीं हो पाई, मैंने आज साड़ी डाली थी जो मैं लास्ट में फ़ोटो लगा दूंगी। उसके बाद मैंने मानिक के बाउल में डाल दिया केक जो इसका जो मानिक कब से इंतज़ार कर रहा था। और आज मानिक ने डिनर नहीं किया, मतलब केक ही खाया और एक्स्ट्रा खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। उसके बाद हम चले गए थे सोसाइटी फंक्शन में, नीचे जन्माष्टमी का फंक्शन था और यहाँ पर मानिक ने अपना फेवरेट काम स्टार्ट करा है। ये छोटी बच्ची देखो बेचारी कैसे गिर गई, मैंने तो अभी देखा वीडियो में। मानिक का ये फेवरेट काम है, सभी बच्चों का फेवरेट काम है अपनी मस्ती करना और घूमना फिरना। अभी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, बस तैयारियां चल रही थी तो बच्चे तो सारे आ चुके थे अपनी मस्ती करते हुए और यहाँ पर तैयारियां चल रही थी। अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है फंक्शन। फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और जहाँ भी फंक्शन हो और वहाँ पर मानिक का ग्रुप डांस ना करे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। प्रॉपर फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और मानिक को स्टेप नहीं आते और इसके फ्रेंड्स को भी ये स्टेप्स बिल्कुल नहीं आते इस गाने पे जिस पे डांस कर रहे थे। और सारे के सारे सोसाइटी वाले लोग आ चुके थे और सब मस्ती करते हुए वीडियो बनाते हुए डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी वीडियो किसी ने भी शूट नहीं करी और मेरी वीडियो नहीं है, मैं लास्ट में फ़ोटोज़ लगा दूंगी। उसके बाद फिर डांस करने के बाद इनका ग्रुप यहाँ पीछे आ गया और पता नहीं क्या बातें कर रहा है, सब लोग हंस रहे थे इनकी बातों की, क्या सोच रहे क्या बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, देखना समझ ही नहीं आ रहा कि क्या, आप लोग को कुछ समझ आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, बड़े हो रहे हैं अब, छोटे बच्चे नहीं है अभी, देखना। तभी बीच में आ जाती है बारिश और बारिश में मटकी फोड़ने का काम स्टार्ट हो जाता है। पहले ही बड़े लोग और उनके उसके बाद उसके ऊपर छोटे बच्चे खड़े हो जाते हैं, उनका हाथ नहीं पहुंचता मटकी तक, फिर डगमगा जाते हैं और उसके बाद गिर जाते हैं ये लोग। एक बार फिर से मटकी फोड़ने का काम स्टार्ट करते हैं और फिर से वही प्रोसेस सेम, बट इसमें भी ये नाकामयाब हो जाते हैं। अब फाइनली 3री बार मटकी को थोड़ा नीचे किया गया, ज़्यादा ऊपर थी मटकी और फिर बच्चों ने अपने हाथों में ले ली मटकी और अब तो फोड़ के ही मानेंगे मटकी। फाइनली मटकी फोड़ने वाला काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है और बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं कि मटकी में से क्या निकलेगा, लेकिन मटकी में था दही और रुई थी कुछ और मानिक भी आ गया, कुछ नहीं मिला उसको और जो भी था वो नीचे गिर गया था।
यहाँ पर हो रहे हैं जय जयकार। कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन बार बार बारिश भी आ रही थी। अभी बज चुके हैं पूरे 12 और कान्हा जी का केक कट हो रहा है। पहले लगाएंगे कान्हा जी को भोग और उसके बाद बच्चों ने केक खाया और हमने प्रसाद लिया और हम आ गए अपने घर। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी। ये है हमारी आज की पिक्चर।